वी द पीपल, हम भारत के लोग। वी द पीपल, हम भारत के लोग का जैसे जैसे काम बढ़ रहा है, जैसे जैसे जितने भी वी द पीपल हैं वो सारे के सारे इसके काम को बढ़ा रहे हैं, और पिछले 4 महीने में तो इसमें एक तरह से पंख लग गए हैं। पूरे भारत में बहुत तेज़ी से वी द पीपल ही वी द पीपल हो रहे हैं। वी द पीपल मतलब हम भारत के लोग जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जिज्ञासाएं होती हैं, क्योंकि जब हम मीटिंग लगाते हैं, मीटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, पूरे देश से और दुनिया से जुड़ते हैं, बाहर से भी जुड़ते हैं, क्योंकि अब तो वी द पीपल इंटरनेशनल भी हर सैटरडे को होता है, जिसको बाहर के लोग ही जो NRI हैं वो इसको कंडक्ट करते हैं, संचालित करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा रहती है क्या है, और बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, कुछ फ़ोन भी करते हैं अलग अलग वी द पीपल को, अलग अलग जो स्पोक्स हैं, स्पोक्स उनको बोलते हैं जो महापुरुषों की बात को, जो उनके वक्तव्य हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनको स्पोक्स बोलते हैं, तो उनको फ़ोन करके कहते हैं। उन सबका जो मंतव्य है, यानी जो मन की बात है, वो एक ये है कि इकट्ठा होके करोगे क्या, क्या मंशा है, क्या मंसूबा है, क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान है, क्या आइडिया है। कुछ तो होगा, बिना उद्देश्य के कैसे कोई इकट्ठा कर सकता है, बिना उद्देश्य के क्यों इकट्ठे हो रहे हो, आखिर इसका राज क्या है। बहुत सारे लोग, और कुछ लोग तो साफ साफ कहते हैं कि भाई इकट्ठा कर रहे हो तो जब कोई प्लान नहीं है तो इकट्ठा करने का फायदा क्या है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास कोई प्लान है? तो हमारे भारत में जितने भी चिंतक लोग हैं, विचारक हैं, समण समाज के, SC ST OBC के, उन सब के पास में एक प्लान है। यानी कि अगर आप 1 लाख लोगों से बात करोगे तो 1 लाख प्लान है समण समाज के, बहुजन समाज के, मूल निवासी समाज के आगे बढ़ाने के, शासक बनाने के, सारी समस्याएं दूर करने के, उनको सुख सुविधा देने के। 1 लाख लोगों के पास 1 लाख प्लान है, बल्कि कईयों के पास तो दो दो तीन तीन प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, यानी एक प्लान ना चले तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो 1 लाख लोगों के पास में उससे ज़्यादा भी प्लान है। तो ऐसे ही जब फ़ोन आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास कोई प्लान है? तो वो थोड़े झिझकते हुए थे, थोड़े शर्मा से होते, जब वो शर्माते झिझकते हैं तो हम दोबारा पूछते हैं कि अच्छा प्लान है तो बताइए, हम उस पर काम कर लेंगे। तो वो कहते हैं हाँ जी, हमारे पास प्लान है, और बहुत बढ़िया प्लान है, और ऐसा परफेक्ट प्लान है कि सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और समण समाज बस शासक बना समझो अगर उस प्लान को चल गए तो। तो हम उनसे पूछते हैं ठीक है, क्या आपका प्लान अकेले ही काम करेगा? क्या आप अकेले व्यक्ति उस प्लान को लॉन्च करके हमारे सारे दुख दूर कर सकते हैं? क्या जितने भी समस्या समण समाज में, बहुजन समाज में, मूल निवासी समाज में, SC ST OBC में हैं, वो सारी आपके अकेले इस प्लान को दूर करने से सक्षम हैं? तो वो कहते जी अकेले कैसे कर सकते हैं, प्लान है, प्लान में तो सबको करना पड़ेगा। तो हम उनसे कहते हैं तो आपका मतलब है कि ये जो आपने प्लान बनाया है उसके लिए आपको लोग इकट्ठे करने हैं? कह रहा जी हाँ। तो आप ये बताइए कि कोई राजनीतिक पार्टी है, क्या वो पार्टी अकेले ही हमारा दुख दूर कर देगी? क्या हमें अकेले ही, जो पार्टी का जो मेंबर है या जो पार्टी का प्रेसिडेंट है या जो पार्टी का प्रधान है, क्या वो अकेले ही सारे दुख दर्द दूर कर देगा? तो वो कहता जी कैसी मजाक कर रहे हो आप, सारे लोग मिलकर पार्टी को वोट देंगे, पार्टी जीतेगी, तब दुख दर्द दूर करना चाहेगी तो करेगी, वरना अपने दुख दर्द तो दूर कर ही लेगी पार्टी, आपके हो या ना हो। तो हम उससे पूछते हैं कि ये जो धम्म के लोग हैं, ये जो प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं और बाबा साहब का सपना अधूरा पूरा करना चाहते हैं, क्या ये सारा जितना भी प्रबुद्ध भारत है अकेले हो जाएगा? तो वो हमसे नाराज हो कहता है कैसे मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। अरे आप मूर्ख हो क्या, जब प्रबुद्ध भारत बनाना है तो पूरे भारत में सारे प्रबुद्ध बनेंगे, तभी तो प्रबुद्ध भारत बनेगा, अकेला आदमी कैसे कर लेगा? तो हम उससे पूछते हैं कि ये जो आर्थिक जो काम कर रहे हैं लोग, जो बैंक खोलने की बात कर रहे हैं, या जो इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं, या जो मेडिकल हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे हैं, या जो भी उद्योग धंधे लगाने की बात कर रहे हैं, जो उनके बड़े बड़े प्लान हैं, क्या वो अकेले पूरे कर लेंगे? तो वो हमसे कहता है कि आप तो निपट मूर्ख हैं। अरे भाई, जब तक पैसा इकट्ठा नहीं होगा, जब तक पूरा समूह पैसा नहीं देगा, तब तक वो क्या तो बैंक खोलेगा, क्या इंडस्ट्री खोलेगा, क्या वो मेडिकल कॉलेज खोलेगा, क्या वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेगा, क्या वो इंस्टीट्यूट बनाएगा, कैसे बना देगा? तो हम उससे पूछते हैं कि ये जो लड़के दलबल में जो आजकल
उछल कूद मचा रहे हैं, इनमें बड़ी ताकत है, ये नौजवान हैं, यंग हैं, तो क्या उनके जो प्लान है क्या वो अकेले कर लेंगे? तो कहता जी आपसे बात करना तो बेकार है, आप तो मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। तो फिर हम उससे कहते हैं और पूछते हैं, अरे भाई जब सारे कामों के लिए आपको लोग इकट्ठे करने हैं, सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए लोग इकट्ठे करने हैं, प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए लोग इकट्ठे करने हैं, इंडस्ट्री खोलने के लिए लोग इकट्ठे करने हैं, व्यापार करने के लिए लोग इकट्ठे करने हैं, कोई भी काम करने के लिए लोग इकट्ठे करने हैं, तो पहला काम कौन सा है? पहला काम प्लान बनाना है, पहला काम नेता का प्रधान बनना है, पहला काम नेतागिरी का दफ्तर खोलना है, पहला काम कार में चढ़ के झंडा लगा के घूमना है, पहला काम अपना पोस्टर छपवाना या विजिटिंग कार्ड छपवाना है, पहला काम ये जो बड़े 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 तरीके से बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं ये करके अपना नाम आगे बढ़ाना है, या पहला काम लोगों को इकट्ठे करना है? सारे कामों के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, लोग होंगे तभी तो आप प्लान बता पाओगे, वरना आप अपना प्लान जेब में रख के घूमो कौन पूछता है। तो पहला काम आप लोग इकट्ठे करोगे ना, पहले लोगों को इकट्ठा करोगे, चाहे भले ही 2 या 4 या 10 या 50 या 100 इकट्ठा करोगे, फिर उन्हें प्लान बताओगे। तो आपका प्लान बाद में है, लोगों को इकट्ठा करने का काम पहले है। तो पहला काम किसी ने नहीं किया, बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, तो बाबा साहब ने संगठित रहने के बाद ही तो संघर्ष करने के लिए कहा था, आप तो संघर्ष पहले स्टार्ट कर लिए, आप तो सीधे युद्ध में उतर गए, मैदान में उतर गए, और आपने इकट्ठा किया नहीं, और जो 2-4 रिश्तेदार या 2-4 चमचे या 2-4 चापलूस या 2-4 मूर्ख आपने इकट्ठे कर लिए उसको आप संगठन मानते हैं। अरे भाई वो व्यक्तिगत आपका एफर्ट है, वो संस्थागत छोटा मोटा ग्रुप है। भारत में समण समाज की संख्या 115 करोड़ से ज़्यादा है, 120 करोड़ भी हो सकती है अगर गिनती होती है। तो 120 से 115 करोड़ जो लोग हैं भारत के अंदर जो समण समाज के आते हैं, उन तक पहुंचने के लिए उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, तब आपका प्लान वहां तक पहुंचेगा, तब आप उनसे पैसा ले सकते हैं, तब बिजनेस कर सकते हैं, तब बाजार खोल सकते हैं, तब इंडस्ट्री खोल सकते हैं, तब मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। तो आपका प्लान अहमियत नहीं रखता, अहमियत इस बात की है कि लोग आपके प्लान को सुनने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हर आदमी यह प्लान लेके घूमता है, मगर वही प्लान सक्सेस है जो लोगों को इकट्ठा कर दे। तो वी द पीपल एक पॉइंट पर काम करता है कि लोगों को पहले इकट्ठा करना है, तो दूसरा एजेंडा नहीं है। तो कहता जी इकट्ठा करके क्या करोगे? अरे भाई इकट्ठा करके लोग अपने आप कर लेंगे, एक से एक इंटेलिजेंट लोग हैं। आप खुद कहते हो कि मैं प्लान लेके घूम रहा हूं, तो आप अपना प्लान बता देना, लोगों को पसंद आएगा तो लोग उस पर इंप्लीमेंट कर लेंगे, आपका प्लान चल जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, आपकी मूर्तियां लग जाएंगी, आपकी जय जयकार हो जाएगी, कर लेना जय जयकार। पर लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं पहले उनको इकट्ठा करने का काम तो करो। जब लोगों को इकट्ठा करने का काम आप कर लोगे और लोग अपने आप प्लान बना लेंगे अपने हिसाब से, तो उस समय जो परिस्थिति और स्थिति होगी, लोग अपने आप अपने नियम बना लेंगे, अपने आप जिनको धर्म में जाना होगा वो धर्म में चले जाएंगे, जिनको राजनीति में जाना होगा वो राजनीति में चले जाएंगे, जिनको सामाजिक काम में जाना होगा सामाजिक में चले जाएंगे, जिनको आर्थिक धन के काम में जाना होगा चले जाएंगे, जिन लड़कों को नौकरी वगैरह करनी होगी वहाँ चले जाएंगे। सारे काम कर लेना, मगर पहला काम करना जरूरी है, क्योंकि ये पहला काम ही सबसे बड़ा काम है। इसको आपने कभी काम नहीं माना, इसको आपने एजेंडा नहीं माना। आप हमेशा कहते हो अरे इकट्ठा करके क्या करोगे? अरे भाई इकट्ठा करना काम है, इकट्ठा करने के बाद में आप ही करोगे जो करोगे, हम क्या करेंगे? आज तक जिन भी लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया है उनमें लोगों की चलती है, यही संविधान है, यही संघ है और यही बुद्ध ने बताया है। हमारे इधर वी द पीपल में व्यक्ति नेता नहीं होगा, जैसे जैसे लोग इकट्ठे होंगे वो अपने नेता खुद होंगे। हर व्यक्ति यहाँ वी द पीपल नेता होगा, यहाँ या तो कोई नेता नहीं होगा या सब नेता होंगे, संविधान यही कहता है। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से हम संविधान को नेता मानते हैं, क्योंकि वो हमको एक ऐसा सिस्टम देता है जहाँ हम आपस में एक दूसरे को गवर्न कर सकते हैं, और लोगों का समूह जिसको चाहेगा जैसा चाहेगा जो काम करना चाहेगा वो करेगा। सुप्रीम लोगों का समूह रहेगा जिसको लोकतंत्र बोलते हैं, जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसको इंडियन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बोलते हैं। तो इसलिए ये स्पष्ट है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि पहले आदमियों को इकट्ठा करना होता है, प्लान बाद में होता है, तो आपके बस की काम नहीं है। आप अपने प्लान को लेकर रोज वहाँ घर में बैठिए, और आजकल फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर प्लान का प्रचार कीजिए। हो सकता है 2-4, 10-5 लाख लोग आपके प्लान की जय जयकार करें और आपका काम बन जाए और आपको कहीं सेटिस्फेक्शन मिल जाए। हमें वी द पीपल जैसे जो साधारण लोग हैं उनको ये काम करने दीजिए कि लोगों को जुड़ना है, और जुड़ना है, जिद्द है जुड़ने की, जुड़ना ही हमारा सबसे पहला और आखिरा काम है। जुड़ जाएंगे तो बच जाएंगे,
जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी बचेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां बचेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जीतेंगे ही तब तब जुड़ेंगे, बिना जुड़े कभी नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे। इसलिए जिद्द है जुड़ने की, जुड़ेंगे और जुड़कर रहेंगे और जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। जैसे बुद्ध के समय सम्राट अशोक ने महाभारत बनाया और हमको जिताया, वैसे ही फिर जीतेंगे। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संघ का संविधान दिया और पूरा भारत जीत गया और इकट्ठा हो गया और आज हम यहाँ तक हैं, वैसे ही फिर जीतेंगे और हमेशा जीतेंगे। जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। धन्यवाद।